पेट सिमेट्री। पेट सिमेट्री नाम से आई ये फिल्म एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो 2019 में आई थी। फिल्म का ड्यूरेशन है 1 घंटा 41 मिनट और IMDb पर इसको 5.7 की रेटिंग मिली है। फिल्म को मैट ग्रीनबर्ग ने डायरेक्ट किया है और मेन लीड में है जेसन क्लार्क, एमी सिमेट्स और जॉन लिथगाओ। इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा है 113.1 मिलियन डॉलर। पेट सिमेट्री कहानी की शुरुआत में सुनसान सड़क पर एक गाड़ी को जाते हुए दिखाया जाता है। इस गाड़ी में लुईस है जो कि प्रोफेशन से एक डॉक्टर है। उसके साथ उसकी पत्नी रेचल और उसके दो बच्चे एली और गेज भी होते हैं। इनकी एक पालतू बिल्ली भी है जिसका नाम चर्च है। असल में ये आज बोस्टन के बड़े शहर से एक छोटे शहर से शहर का नाम लुडलो है वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। ये जगह चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरी होती है। अगले दिन रेचल और उसकी बेटी देखते हैं कि जंगल में कुछ बच्चे जिन्होंने जानवरों के मास्क पहने हैं वह एक डॉग की डेड बॉडी को पेट सिमेट्री यानी कि जानवरों के कब्रिस्तान ले जा रहे होते हैं। एली अपनी मॉम के जाने के बाद उस पेट सिमेट्री में जाती है जहाँ पर वो देखती है कि बहुत सारे पेट्स की कब्र है और वहीं पर लकड़ी की बहुत ऊंची दीवार भी होती है। और जब एली उस दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करती है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है और वह गिर जाती है। तभी वहाँ पर ग्रंडल नाम का एक बूढ़ा आदमी आता है। वह एली के पैर से उसका कांटा निकालता है और उसे बताता है कि यहाँ पर इस शहर के जितने भी पालतू जानवर होते हैं उन सब की कब्र बनाई जाती है। ये एक बहुत पुराना रिवाज है। अभी यहाँ एली की माँ उसको ढूंढती हुई आ जाती है। ग्रंडल रेचल को बताते हैं कि मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, बच्चों का इस तरह जंगल में अकेला घूमना सही नहीं है। रेचल अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाती है। वहीं हॉस्पिटल में लुईस के पास एक एक्सीडेंटल केस आता है। जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ होता है इसका नाम विक्टर है। दरअसल उसके घर के पास एक बहुत ही खतरनाक सड़क है जहाँ पर गाड़ियाँ बहुत स्पीड में चलती है और उसी सड़क पर इस लड़के का एक्सीडेंट हुआ होता है। लुईस चाहकर भी उस लड़के को नहीं बचा पाती, उसकी मौत हो जाती है। पर तभी लुईस देखता है कि विक्टर उसके सामने बैठा है और वो कहता है कि उस लकड़ी के बैरियर को कभी टूटने मत देना। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता यहाँ पर नर्स आ जाती है और लुईस देखता है कि विक्टर ज्यों का त्यों यानी कि मृत अवस्था में पड़ा है। लुईस को लगता है कि यह उसका भ्रम था। रात को लुईस जब घर पर सो रहा होता है तब एक बार फिर से उसे उस लड़के की आवाज़ आती है। वह आवाज़ का पीछा करते करते पेट सिमेट्री तक पहुंच जाता है जहां पर विक्टर की आवाज़ उसे बताती है कि यह वह जगह है जहां पर मुर्दे सोते हैं, पर लकड़ी की दीवार के उस तरफ वे हमेशा जागते हैं। लुईस इस दीवार पर चढ़ना शुरू कर देता है। तभी विक्टर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि यह जगह श्रापित है। अचानक से लुईस की आंखें खुल जाती है। वह देखता है उसके सामने उसका बेटा है और वो समझ जाता है कि यह एक सपना था। पर जब अपने पैर देखता है तो उसके पैरों पर मिट्टी लगी थी। लुईस को कुछ समझ में नहीं आता कि यह सपना था या हकीकत। कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है कि लुईस के पास उसका पड़ोसी ग्रंडल आता है जो लुईस को बताता है कि तुम्हारी बिल्ली चर्च एक ट्रक के नीचे आने से मर गई। तो लुईस ग्रंडल से कहते हैं कि ये मेरी बेटी को मत बताना क्योंकि मेरी बेटी चर्च से बहुत प्यार करती है। ग्रंडल कहता है कि ठीक है, रात को तो मेरे साथ पेट सिमेट्री चलना। और फिर रात को ही दोनों पेट सिमेट्री पहुंच जाते हैं और जहां पर ग्रंडल लुईस को पेट सिमेट्री पर बनी हुई लकड़ी की दीवार के दूसरी तरफ ले जाता है। ये जगह बहुत ज़्यादा खामोश होती है और यहाँ पर चर्च को दफना दिया जाता है और उसके बाद ही दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह लुईस और उसकी पत्नी रेचल अपनी बेटी एली को समझाते हैं कि चर्च कहीं चली गई है, हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वह हमें नहीं मिली। एली कहती है कि रात को वह मेरी खिड़की पर थी। इस पर लुईस कहता है तुमने कोई सपना देखा होगा। एली कहती है कि नहीं और कबर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहती है वो अभी भी उसके अंदर है। लुईस जब कबर्ड का दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर सच में चर्च होती है जिसकी आंखें एक्सप्रेशन सब कुछ बदल चुका है। अपनी पत्नी से कहते हैं कि शायद वह अनकॉन्शियस हो गई थी पर लुईस अंदर ही अंदर जानता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जो इंसान की समझ से बाहर है।
अगले दिन जब एली चर्च के साथ खेल रही होती है तो चर्च एली के हाथ को जख्मी कर देती है। ये देखकर लुईस को बहुत अजीब लगता है। इन सब घटनाओं के बाद लुईस ग्रंडल के पास जाता है, उसे बताता है कि रात को हमने चर्च को दफनाया था लेकिन इस वक्त वह मेरे घर पर है। ग्रंडल उसे अपने कमरे में ले जाता है और बताता है कि यहाँ पर पहले आदिवासी रहा करते थे, जिनकी कहानी उसे पता चलता है कि यहाँ पर वेंडिगो नाम का एक शैतान रहता था। उसकी आत्मा पूरी तरह से श्रापित थी और लकड़ियों के उस पार जहाँ पर हमने चर्च को दफनाया था आज भी उसका पूरी तरह से कंट्रोल है। वहाँ पर जिस भी चीज़ को दफनाया जाता है वह जिंदा हो जाती है। बचपन में मैंने अपने डॉग को दफनाया था जो ठीक चर्च की तरह जिंदा हो गया था, पर बाद में मेरे पिता को उसे मारना पड़ा क्योंकि वह बहुत अग्रेसिव था। मुझे लगा कि तुम्हारी बिल्ली का नेचर शांत है इसलिए जब वापस आएगी तो वह पहले की तरह बिहेव करेगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह भी मेरे डॉग की तरह हो जाएगी। ये पूरी सच्चाई जानने के बाद वो चर्च को अपने घर से बहुत दूर छोड़ आता है। अगले दिन उसकी बेटी का बर्थडे होता है और तभी उसकी बेटी देखती है कि चर्च एक बार फिर से सड़क की तरफ से उसी की तरफ आ रही है। वह चर्च को लेने के लिए भागती है और एली का भाई एली को देख लेता है, इसलिए वो भी सड़क की तरफ जाने लगता है। लुईस अपने बेटे को सड़क की तरफ जाते हुए देखता है तो उसके तरफ भागता है और सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक भी आ रहा होता है, और इससे पहले कि वह ट्रक लुईस के बेटे को कुचलता लुईस अपने बेटे को उठा लेता है और उधर ट्रक वाला भी जोर से ब्रेक मारता है जिसकी वजह से ट्रक के ऊपर जो टैंकर होता है वह उससे अलग हो जाता है और वो टैंकर लुईस की बेटी एली को कुचल देता है। उसकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। एली की मौत से उसकी मॉम रेचल और उसके पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और रेचल अपने बेटे गेज को कुछ दिनों के लिए नानी के घर ले जाती है ताकि उसका मन बदल सके। और यहाँ लुईस को दिखाया जाता है जिसे अपनी बेटी एली की याद आ रही होती है, इसलिए वह उस जगह जाता है जहाँ पर उसने अपनी बेटी को दफनाया था। वो उसकी डेड बॉडी को निकालता है और उसे लेकर पेट सिमेट्री में जो लकड़ियों की दीवार होती है वह उसकी दूसरी तरफ जाता है और ठीक वहीं पर जहाँ पर उसने चर्च यानी अपनी बिल्ली को दफनाया था उसी के पास वह अपनी बेटी को दफना देता है। इसके बाद वह घर आकर सो जाता है। रात को उसकी नींद किसी कदमों की आहट से खुल जाती है और जब वह बाहर जाता है तो वहाँ पर किसी बच्चे के कदमों के निशान थे। वो उन निशानों का पीछा करता है और देखता है कि सामने उसकी बेटी एली खड़ी है जिसे देखकर खुश हो जाता है। वह अपनी बेटी को गले से लगा लेता है, पर जिस तरह से चर्च के एक्सप्रेशन बदले थे ठीक उसी तरह से एली के एक्सप्रेशन भी बदल गए थे। इसके बाद भी लुईस अपनी बेटी को नहलाता है और रात को वह अपनी बेटी को अपने साथ ही सुलाता है। अपनी बेटी के आने से लुईस बहुत ज़्यादा खुश है और अगली सुबह जब उठता है तो देखता है कि उसकी बेटी बहुत अजीब सा डांस कर रही होती है। लुईस ऐसा डांस करने के लिए मना करता है लेकिन एली उसकी बात नहीं सुनती। एली अपना सामान भी फेंकना शुरू कर देती है और दूसरी तरफ लुईस के बेटे गेस को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के साथ अपनी नानी के घर गया होता है। दरअसल बार बार इस छोटे बच्चे को विक्टर की आत्मा दिख रही होती है। ये वही है जिसका एक्सीडेंट हुआ था और लुईस उसकी जान नहीं बचा पाया था। और जब रेचल को ये बात पता चलती है कि उसका बेटा बार बार विक्टर का नाम ले रहा है तो वह इस बात से डर जाती है और अगली सुबह रेचल अपने पति लुईस को कॉल करती है लेकिन लुईस उसका कॉल रिसीव नहीं करता, इसलिए मजबूरी में रेचल को गर्डल को कॉल करना पड़ता है। गर्डल जब उसके घर पर जाता है तो लुईस अजीब बातें करता है जिससे ग्रंडल को उस पर शक होता है, तो कहता है कि अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो हम उसे सही कर सकते हैं, पर लुईस साफ साफ मना कर देता है। ग्रंडल जब उसके घर से थोड़ा सा दूर जाता है तो वह खिड़की पर एली को देखता है और उसे समझ में आ जाता है कि लुईस ने क्या किया है। वह अपने घर जाता है और अपनी रिवॉल्वर निकाल लेता है क्योंकि वह जानता है कि लुईस ने जो किया है उसका अंजाम क्या हो सकता है। दरअसल आज से कई साल पहले उसने अपनी पत्नी की डेड बॉडी के साथ भी यही किया था जिसके अंजाम उसे भुगतने पड़े थे, पर बाद में उसने अपनी पत्नी को मार दिया। अभी ग्रंडल को एहसास होता है कि घर में उसके अलावा कोई और भी है और जब वह रिवॉल्वर लेकर ऊपर जाता है तभी एली उस पर हमला कर देती है। वह उसे बुरी तरह से जख्मी कर देती है। उसने नकाब पहना होता है और जब वह अपना नकाब हटाती है तो उसके पीछे वाली एली नहीं बल्कि ग्रंडल की मरी हुई पत्नी होती है जो कहती है कि हम उस दुनिया में जल रहे हैं और अब हम तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। उसके बाद वो एली के रूप में आकर ग्रंडल को मार देती है।
वहीं अब घर पर रेचल अपने बेटे गेस को लेकर पहुंच जाती है और जब वह घर पर अपनी बेटी को जिंदा देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। तो लुईस उसे बताता है कि यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी को भी दफनाने से वो जिंदा हो जाते हैं और सबसे पहले मैंने वहाँ पर अपनी बिल्ली को दफनाया था, इसलिए उस वक्त वो जिंदा हो गई थी। रेचल कहती है कि हमारी बेटी मर चुकी है, हमने उसका अंतिम संस्कार किया था। दरअसल वह एली को एक्सेप्ट नहीं करती। अब एली की आंखों में गुस्सा उतर आता है। रेचल अपने बेटे को लेकर ऊपर चले जाती है। ऊपर जाकर लुईस रेचल को समझाने की कोशिश करता है पर रेचल उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। तभी इनको एहसास होता है कि बाहर एली सब कुछ सुन रही है। वह बाहर जाता है तो वह वहां नहीं होती। एली घर से भाग गई होती है, इसलिए लुईस घर से बाहर निकलता है और वह देखता है कि सामने ग्रंडल के घर की लाइट जल रही है। एली को देखने के लिए वो उस तरफ जाता है और जब वह घर के अंदर जाता है तो वह देखता है कि किसी ने बेरहमी से ग्रंडल का कत्ल कर दिया है। वहीं घर पर दिखाया जाता है जहां पर रेचल अपने बेटे के साथ ऊपर होती है और एली उसके ऊपर हमला कर देती है। एली चाकू से उसे जख्मी कर देती है और रेचल उसको धक्का देकर नीचे गिरा देती है और अपने बेटे को लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है जहां पर एली खिड़की का कांच तोड़ने लगती है और रेचल देखती है कि नीचे लुईस आ गया है, इसलिए वह अपने बेटे गेस को खिड़की से नीचे फेंक देती है। लुईस अपने बेटे को पकड़ लेता है और उसी गाड़ी में बिठा कर कहता है कि अगर एली आए तो दरवाज़ा मत खोलना। वहीं एली को दिखाया जाता है जो रेचल तक पहुँच जाती है। वह रेचल पर चाकू से कई वार करती है और अब रेचल बुरी तरह से जख्मी हो चुकी है। एली भी उसके पास बैठी हुई होती है जो रेचल से कहती है कि मम्मी आपको याद है एक बार डैडी ने कहा था कि मरने के बाद कोई दुनिया नहीं होती, वह गलत थी। रेचल कहती है कि मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। एली रेचल को मार देती है और अब लुईस भी ऊपर पहुँच जाता है। वह देखता है कि उसकी पत्नी मर चुकी है और तभी पीछे से एली उसके ऊपर भी हमला कर देती है जिससे लुईस बेहोश हो जाता है। एली अपनी मॉम रेचल को घसीटते हुए उसी जगह ले जाती है जहां पर उसे दफनाया गया था। वह अपनी मॉम को दफना देती है। अब लुईस भी इस जगह पर पहुंच जाता है लेकिन उसे चारों तरफ कोई भी नहीं दिखता और तभी एली की आवाज़ आती है। वह कहती है कि जो कुछ हुआ ये सब तुमने किया है और अब तुम्हें भी हमारे साथ आना पड़ेगा। इसके बाद एली इसके ऊपर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है लेकिन लुईस एली को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और अपनी बेटी को मारने ही वाला होता है। इससे पहले रेचल अपने ही पति को पीछे से आकर मार देती है क्योंकि वह भी मरकर इसी जमीन से जिंदा हुई है। इसके बाद सुबह हो जाती है और जहाँ हमें ग्रंडल के घर को जलता हुआ दिखाया जाता है और साथ ही लुईस और रेचल का बेटा गेस अभी भी गाड़ी में होता है। वह देखता है कि सामने से उसकी मॉम डैड और उसकी बहन एली आ रही है। लुईस के हाथ में पेट्रोल का डब्बा भी होता है जिससे उसने ग्रैंडल का घर जलाया था और यहाँ पर उनकी बिल्ली चर्च भी होती है। और अब लुईस इस गाड़ी की साइड विंडो से अपने बेटे गेस को देखता है। इसके बाद हमें दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और इसी आवाज़ के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।